आजकल के बच्चे हैं ना जो गेम में घुसे रहते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगी? उनके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि फोन से अपनी दुनिया निकाल के यहाँ पे आए और जस्सी सर से सीखे कुछ और अपने देश का नाम रोशन करे। पहले हम कहीं और एकेडमी में जाते थे, उधर हमारे मेडल आते ही नहीं थे, जब से हम इधर ट्रेनिंग करें हमारे मेडल आ रहे हैं। मैं खुद गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। जस्सी सर अच्छे और बहुत मतलब जो प्रीशियस वर्ड होता है उसके काबिल है मेरे। और एक और सर है गुरमीत सर, जो कि आज छुट्टी पे शायद, पर वो भी बहुत अच्छे हैं। ये कि मेरे को बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है, मतलब ये बहुत अच्छा करवाते हैं, मेरे को खुशी हो रही है कि हाँ मैं बड़े होकर बॉक्सर बनूँ। हमारे पास दो नेशनल मेडलिस्ट बच्चे हैं और अच्छा। बाकी आगे नेशनल और इंडिया के लिए तैयार हो रहे हैं। नेशनल के लिए। अच्छा, तो कैसे खिलाते हैं सर? बहुत बढ़िया। सर कोचिंग कैसी कराते हैं? सर बहुत अच्छी कोचिंग कराते हैं, हम यहाँ पर खेलते बहुत सारी टेक्निक्स भी सीखे हैं। सर बहुत अच्छी कराते हैं, इससे मेरा सेल्फ डिफेंस इम्प्रूव हुआ है, बहुत मेरी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव हुई। पहले से मैं आलसी था पर अब नहीं हूँ, अब मैं एक्टिव रहता हूँ। इसको मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम तेरे को मैरी कॉम के रूम में देखते हैं। हाँ, कि मैंने मैरी कॉम की फोटो लगा रखी है, देखो उधर आप। तो मैं इसको यह एग्जांपल देता रहता हूँ कि आने वाले टाइम में कहीं तेरी भी फोटो लगेगी। अच्छा, हाँ। मतलब मैं पहले तो ताऊ देवीलाल में सीखता था बॉक्सिंग, तो मैं लेफ्ट से लिखता हूँ, पर उन्होंने बता दिया मुझे राइटी बन गया, तो सर ने मुझे आके ठीक किया। अच्छा। तो मैं अब लेफ्ट ही ऑन गार्ड हूँ, तो मैं लेफ्ट से लिखता हूँ तो मेरा राइट बन गया लेफ्ट और लेफ्ट बन गया राइट। हमारा भविष्य बना रहे हैं बॉक्सिंग में, आगे और ले जा रहे हैं हमें। सर तो बहुत अच्छा है एक्चुअली, पहले तो मुझे लग रहा था कि बहुत हार्ड ट्रेनिंग है, बट धीरे धीरे जैसे मतलब फटीग थोड़ा सा कम होने लगा तो इट्स लाइक कि हाँ हो रहा है, हो जाएगा। और अगर आपको भी फिटनेस और बॉक्सिंग अच्छी लगती है तो इधर आइए एकेडमी। और ये मैंने इस साल आगे मोटापे का भी कम करने की इलाज है। बिल्कुल, फिटनेस के लिए भी बहुत अच्छी है। आपकी एकेडमी का नाम बता दो। मेरी एकेडमी का नाम है पंचलाइन बॉक्सिंग एंड फिटनेस एकेडमी। मेरी उम्र के बच्चे जैसे कि मैं यूथ में हूँ 17 साल का हूँ, ये 17 से 19 साल के बच्चे लोग पार्टी करते हैं, कैसी बाहर भूर जाते हैं, नशे और सिगरेट ऐसे बुरी आदतों में पड़ते हैं, फ़ोन में पड़ते हैं, तो इससे अच्छा है कि वो बॉक्सिंग भी करें, सेल्फ डिफेंस भी आएगा उनको अच्छे से, हाँ, और खुद मोटिवेट भी रहेंगे, फिटनेस भी आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस सब कुछ आएगी। आने वाली 30 से लेकर 6 तारीख तक होने वाले रोहतक में REC ओपन टैलेंट हंट नेशनल में ये बच्चे दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। राम राम भाई, सारे भाई आना की आ रहा हूँ मैं, आप पूरी जानकारी देवांगे और मैं मिलाता हूँ एक बार। पीछे दिखते हुए बच्चे प्रैक्टिस करने आए रहे हैं, मैंने डर लगा कदो कोई मन नहीं हो गए, तो इसी खातर मैं आप मैं बताना चाहूँ मैं की आ रहा हूँ कितनी, ऐसे मैं पूरी जानकारी लेता हूँ कहाँ है कहाँ नहीं। मैं वैसे आप नॉलेज ज्यादा बता दी, मैं चंडीगढ़ आया हुआ था, अकेडमी का नाम आप सामने देख सकते हो। पूरी बात मैं आपकी भैया के साथ शेयर करूंगा, भैया से पूछता हूँ मैं, भैया क्या है ये बच्चे बॉक्सिंग कर रहे हैं? ये तो बॉक्सिंग कर रहे हैं भाई, मैं तो वैसे घबराया, मैंने सोचा मैं फंस गया भाई इनके बीच में। अकेडमी का नाम क्या है? क्योंकि मैंने ये देखा आपके बच्चे नहीं, छोटे छोटे बच्चे, अब वो देख लो, छोटा छोटा बच्चा देखो। इसकी क्या साल है गुड़िया की? इसकी है 9 साल। 9 साल की गुड़िया है और गेम देख लो भाई, मतलब मैंने इतना अच्छा लगा मैंने और कहीं देखा नहीं। और ये मैंने इस साल आगे मोटापे का भी कम करने की इलाज है। बिल्कुल, फिटनेस के लिए भी बहुत अच्छी है। आपकी अकेडमी का नाम बता दो। मेरी अकेडमी का नाम है पंचलाइन बॉक्सिंग एंड फिटनेस अकेडमी। ठीक है, फिटनेस अकेडमी इसलिए है क्योंकि बॉक्सिंग ये नहीं है कि कोई प्लेयर बनने के लिए खेल सकता है, ठीक है, बल्कि इसको कोई भी फिट रहने के लिए भी खेल सकता है। अच्छा, जैसे किसी को मोटापा स्ट्रेस फ्री रहना है किसी को, ठीक है, बच्चों का मेंटली ग्रोथ के लिए और फिजिकली ग्रोथ के लिए इन चीजों के लिए बॉक्सिंग कर सकते हैं। और कई भाई कमेंट करेंगे भाई आप खुद क्यों नहीं करते भाई, मैं भी ट्रेनिंग लूंगा धीरे धीरे, अपना भी वेट कम करूंगा। बाकी ये बताओ ये लोकेशन कहाँ की है? ये लोकेशन है हमारा जो जीरकपुर है ना, जीरकपुर, हाँ? जीरकपुर के पास डकोली है, ठीक है, डकोली में ही है हमारा क्विंस स्पोर्ट्स के नाम से हमारी अकेडमी है यहाँ पे। अच्छा, ये आपके कितने बच्चे आए हुए हैं अभी इसमें? अभी आज मेरे पास आ रखे हैं 9 से 10 बच्चे आ रखे हैं इसमें से, बल्कि हमारे पास 2 नेशनल मेडलिस्ट बच्चे हैं और अच्छा। बाकी आगे नेशनल और इंडिया के लिए तैयार हो रहे हैं। गेम का नाम है बॉक्सिंग, जिसको साइंटिफिक भाषा में पुगलिस्ट भी बोलते हैं। अच्छा, हाँ, तो इनमें से कौन से बच्चे हैं जो आपके जो मेडल लेके आए उनसे बात कराओ मेरी? ये एक मयंक बच्चा है ये रहा। अच्छा। और एक वो बच्चा रहा मनन। अच्छा, ये दोनों बच्चे मेरे मेडलिस्ट हैं, नेशनल मेडलिस्ट। सर ने तो बता दिया, हम भी अपनी मतलब आप एक बार पूरी जानकारी ले रहे हो। आपका नाम क्या पहले तो ये बताओ? मयंक सिंह बोरा। मयंक सिंह बोरा। बोरा बोरा साहब की। तो आपने क्या क्या खेला है? नेशनल खेले हो। अच्छा, तो कैसे खिलाते हैं सर? बहुत बढ़िया। हाँ, फिजिकल वाइज सब कुछ बढ़िया करवाते हैं। अच्छा, तो आपने कितना टाइम हो गया? मेरे को 2 साल। 2 साल हो गए। और आपने क्या इनाम क्या लेके आए थे आप? ब्रॉन्ज मेडल। अच्छा, कहाँ से? हरियाणा से। वाह, ये देख लो भाई, नाम बता दो भैया आपके। मेरा नाम मनन है।
मनन। अच्छा, तो आप कहाँ खेल के आए थे? हरियाणा में आप भी? मैं हरियाणा में बेंगलोर खेल के आया था, एक ओपन नेशनल था और रैक ओपन टैलेंट है। अच्छा अच्छा, तो सर कोचिंग कैसी कराते हैं? सर बहुत अच्छी कोचिंग कराते हैं, हम यहाँ पर खेलते बहुत सही टेक्निक्स भी सीखे हैं। अच्छा, तो मजा आ जाता है पूरा। यस सर। तो आप क्या कहना चाहोगे, आपको देख कर कोई और यहाँ खेलना आना चाहिए नहीं आना चाहिए? यस सर, आना चाहिए। आना चाहिए? यस सर। आप बिल्कुल खुश हो यहाँ पे? यस सर। चलो थैंक यू। थैंक यू। बताओ बेटा आपका नाम क्या है? तन्वी। तन्वी, और मैं आते ही देखने लग गया था आपको, आप बहुत अच्छा खेल रहे थे, तो आपने किसने सिखाया आपको? सर ने। सर ने? आपने पहले नहीं आता था ये? नो सर। अच्छा, अभी आने लग गया है, तो आपकी एज क्या होगी? अभी मैं 10। 10 होगी। 10, और इतना अच्छा खेल लेते हो? ये एक्चुअली हमारे यहाँ पे क्या है, टाइकोंडो भी सिखाते हैं। अच्छा, तो ये गुड़िया आई थी टाइकोंडो के लिए। ठीक है, तो मैंने इसको देखा कि ये बच्ची मतलब काफ़ी अच्छा करती है, इसमें फिजिकल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी थी, होते हैं ना जैसे जेनेटिक में कहीं होंगे, तो इस बच्ची बहुत अच्छी थी, तो मैंने अब इसका ख्याल रखा है कि हम इसको मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम तेरे को मैरी कॉम के रूम में देखते हैं। हाँ, कि मैंने मैरी कॉम की फ़ोटो लगा रखी है, देखो उधर आप। तो मैं इसको यही एग्जांपल देता रहता हूँ कि आने वाले टाइम में कहीं तेरी भी फोटो लगेगी। अच्छा, हाँ मैं, क्योंकि ये बच्ची बहुत डेडिकेटेड बच्ची है। ये तो भैया हमने भी देख लिया आते ही, मतलब इतनी छोटी सी उम्र में जो बच्ची जो कमाल कर रही है ना, और पूरा पूरा मैं शुक्रिया करना चाहूँगा सर का, मतलब और आप इतने छोटे छोटे बच्चे को तैयार कर रहे हो, तो आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। प्रिया, और कुछ कहना चाहोगे एकेडमी के बारे में? ये कि मेरे को बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है, मतलब ये बहुत अच्छा करवाते हैं, मेरे को खुशी हो रही है कि हाँ मैं बड़े होकर बॉक्सर बनूँ। अच्छा, मेरे को अच्छी लग रही है, मतलब मैं बहुत पूरा आर्टिस्ट हूं। आपका नाम बताओ भैया, क्या है? देव। क्या नाम है? देव। खींच के बोलो, खींच के बोलो। देव। देव, तो आपको कैसा लगता है यहाँ एकेडमी में? मुझे अच्छा लगता है। मजा आता है, बच्चे सर अच्छे हैं, अच्छी तरह करवा रहे हैं। अपना नाम बताओ। मेरा नाम वैभव भारद्वाज है। अच्छा, हाँ जी। तो आप तैयारी यहाँ कितने दिन हो गए आपने तैयारी करते हुए? मैं दिसंबर में आने लगा था। अच्छा, हाँ जी। तो सर कैसी तैयारी करवाते हैं? सर बहुत अच्छी कराते हैं, इससे मेरा सेल्फ डिफेंस इम्प्रूव हुआ है बहुत। अच्छा, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव हुई है। अच्छा, पहले से मैं आलसी था पर अब नहीं हूँ, अब मैं क्या कहते हैं, अब मैं वो एक्टिव रहता हूँ। अच्छा अच्छा, वाह वाह। नाम क्या बताया था आपने? वैभव भारद्वाज। वैभव भारद्वाज, हाँ जी। थैंक यू, गुड इवनिंग। मेरा नाम रजनीश कुमार है। अच्छा, तो आप यहाँ अकेडमी कितने दिनों से आते हैं? मेरे को तो टाइम हो गया बहुत। बहुत टाइम हो गया? हाँ जी। तो कैसा लगता है जस्सी सर के साथ? बहुत अच्छा लगता है। पहले हम कहीं और एकेडमी में जाते थे, उधर हमारे मेडल आते ही नहीं थे, जब से हम इधर ट्रेनिंग कर रहे हैं हमारे मेडल आ रहे हैं। मैं खुद गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो नाम क्या बताया था आपने? रजनीश कुमार। कहाँ खेलने गए आप? मैं इधर एक एकेडमी है, उधर उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। अच्छा, तो उधर से गोल्ड मेडलिस्ट है, ये भी गोल्ड मेडलिस्ट है। अच्छा अच्छा, हाँ जी। बाकी हमारे जो बैक करे वो भी गोल्ड मेडलिस्ट है, मेडलिस्ट है वो भी। एक का नेशनल में ब्रॉन्ज आया था, एक का सिल्वर आया है। तो जस्सी सर को आप 100 में से कितना नंबर देना चाहते हो? उनको तो 100 ही दूंगा। 100 में 100 दे रहे हो? हमारा भविष्य बना रहे हैं, बॉक्सिंग में आगे वो ले जा रहे हैं हमें। अच्छा, सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट करने के लिए। तो आप क्या कहना चाहोगे, आपके आपकी उम्र के और बच्चे हैं, उनको आना चाहिए नहीं आना चाहिए? उनको आना चाहिए, क्योंकि अभी उम्र की हमारे उम्र के बच्चे, जैसे कि मैं यूथ में हूँ 17 साल का हूँ, ये 17 से 19 साल के बच्चे लोग पार्टी करते हैं, कैसी बाहर भूर जाते हैं, नशे और सिगरेट ऐसी बुरी आदतों में पड़ते हैं, फ़ोन में पड़ते हैं, तो इससे अच्छा है कि वो बॉक्सिंग भी करें, सेल्फ डिफेंस भी आएगा उनको अच्छे से, हाँ, और खुद मोटिवेट भी रहेंगे, फिटनेस भी आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस सब कुछ आएगी। थैंक यू भाई, थैंक यू। गुड़िया, आपका नाम बताओ क्या? माय नेम इज शिवानी। शिवानी, हाँ जी। तो आपने कितना टाइम हो गया यहाँ? मैंने यहाँ पे अभी फरवरी में ही जॉइन किया था, तो अभी तो थोड़ा सा ही टाइम हुआ है। हाँ जी। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे सर? कैसी सर? तो बहुत अच्छा है एक्चुअली। पहले तो मुझे लग रहा था कि बहुत हार्ड ट्रेनिंग है, बट धीरे धीरे जैसे मतलब फटीग थोड़ा सा कम होने लगा, तो इट्स लाइक कि हाँ हो रहा है, हो जाएगा। और गुड़िया, तू बहुत आगे जाएगी जैसे ट्रेनिंग कर रही है ना, मैंने तो आते ही देख लिया था आपको। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। थैंक यू। अपना नाम बताओ फिर। हमारा नाम मयंक है। मयंक। मेरे दोस्त का नाम वंशीवाज। वंशीवाज, इससे मिलेंगे पहले आप बताओ, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? मेरे यहाँ पे दो ढाई साल हो गए होंगे। अच्छा, तो जस्सी सर कैसे हैं, अच्छे हैं क्या? जस्सी सर अच्छे और बहुत, मतलब जो प्रीशियस वर्ड होता है उसके काबिल है मेरे। और एक और सर है गुरमीत सर। अच्छा। जो कि आज छुट्टी पे शायद, पर वो भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो एकेडमी कैसी है फिर आपकी? एकेडमी मुझे बहुत पसंद आई। अच्छा, मतलब मैं पहले तो ताऊ देवीलाल में सीखता था बॉक्सिंग, तो मैं हु लेफ्ट से लिखता हूँ, पर उन्होंने बता दिया मुझे राइटी।
राइट ही बन गया, तो सर ने मुझे आके ठीक किया। अच्छा। तो मैं अब लेफ्ट ही ऑन गार्ड हूँ, तो मैं लेफ्ट से लिखता हूँ तो मेरा राइट बन गया लेफ्ट और लेफ्ट बन गया राइट। हाँ, बहुत मदद मिली मुझे, मदद मिली। हाँ, आगे और मैं और मेरा बहुत इम्प्रूवमेंट भी आई है। अच्छा, सर के बारे में कुछ और बात बताना चाहोगे? हाँ, अगर आपको भी फिटनेस और बॉक्सिंग अच्छी लगती है तो इधर आइए एकेडमी। धन्यवाद। एकेडमी का लोकेशन और बता दोगे? एकेडमी का है सिटी ग्लोबल स्कूल पंचकुला। अब बारी आ गई भाई वंश की, जिसके जिसके साथ मैं इधर आया था, तो उससे बात करते हैं। हां जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम वंश सिवाच है। अच्छा, आपको कितना टाइम हो गया यहां पे? मेरे को यहां पे आए लगभग 2 या 3 महीने हो गए हैं। अच्छा, तो कैसे हैं सर? सर बहुत ही अच्छे हैं सर, हमें ट्रेनिंग के साथ साथ मजे भी करवाते हैं और गेम भी खिलाते हैं अलग अलग। तो आजकल के बच्चे हैं ना जो गेम में घुसे रहते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि फोन से अपनी दुनिया निकाल के यहाँ पे आए और जस्सी सर से सीखे कुछ और अपने देश का नाम रोशन करे। इसने ऐसी बात बता दी जो आपके काम भी आएगी और आपने आगे भी बढ़ाएगी, तो घर पे ठीके करो भाई, फोन न छोड़ो और आ जाओ, स्टार्ट कर दो जितना हो सके उतना जल्दी आओ। एक बार फिर से मैं पता पूछ लेता हूँ, हमारी एकेडमी का नाम है पंचलाइन बॉक्सिंग एंड फिटनेस एकेडमी, और हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है इसी नाम से। अच्छा। पंचलाइन बॉक्सिंग फिटनेस एकेडमी के नाम से, और जो मेरा मोबाइल नंबर है 8360402836। और हमारे यहाँ पे जो बॉक्सिंग है जो बच्चों को 6 साल के बच्चे से लेकर 42 साल तक कोई भी बॉक्सिंग ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। और इससे बॉक्सिंग से मोटापा भी दूर होगा और स्ट्रेस फ्री भी रहेगा और बच्चे का अच्छा विकास होगा जो बच्चे करेंगे शुरू। और वो हम सोच सकते हैं कि जो बच्चा 6 साल से लेकर शुरू करेगा वो बच्चा, हम उसका सपना देख सकते हैं ओलंपिक्स तक, कि वो बच्चा ओलंपिक्स तक जा सकता है और वहाँ जाकर हमारे देश के लिए मेडल भी ला सकता है। तो इसलिए बच्चों को कोशिश करें कि 6 साल से या 7 साल से स्टार्टिंग आप बच्चों को अकेडमीज़ में भेजना शुरू करें। नहीं, हम फिजिकल क्लासेस करते हैं, ओनली फिजिकल क्लासेस। आने वाली 30 से लेकर 6 तारीख तक होने वाले रोहतक में REC ओपन टैलेंट हंट नेशनल में ये बच्चे दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। एड्रेस आपने बता दिया है, और कुछ बात रहेगी तो सर से आप बात कर सकते हो। तो चलो, थैंक यू सर। थैंक यू सर, मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपसे भी सर। ओके, चलो भाई, इस वीडियो ने आप आ रहे हैं ग्राम, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब जरूर करियो। मिलते हैं अपने कल एक और नई वीडियो में, और दोबारा कहूँ भाई, ये चीज़ बार बार नहीं आया करती, तो अपने शरीर के साथ कोई वो नहीं, तो शुरू करो, कहीं भी शुरू करो भाई।